हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कुक होस फॉरम। तो अब हमें बनानी है बाहर जैसी चाट घर में। लॉकडाउन की वजह से बाहर की चाट हम नहीं खा सकते, तो आइए बाहर जैसी चाट घर में बनाएं। 2 कप चने रावत भिगोकर बॉईल कर लिए हैं मैंने। यहाँ 1 अदद खीरा लिया है, 1 अदद प्याज चॉप की हुई बारी, अनारदाना लिया है 1 खाने का चम्मच, भुना पिसा हुआ जीरा, चाट मसाला, हसबे ज़रूरत नमक, आमचूर पाउडर, और ये 1 कप चीनी ले लिए, ये नॉर्मल कप का हाफ है। तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने ले लिए हैं ये 2 अदद लहसुन, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, पुदीना और धनिया। पुदीना ज़रा मैंने ज़्यादा लिया है, धनिया कम लिया है। अब दही ले लिए, इसे अच्छे से बीट कर दीजिएगा। और फुलकियाँ बनाने के लिए बेसन लिया है मैंने 1 कप। जैसे चाट का फ्लेवर लाने के लिए हम फुलकियाँ बनाएंगे। और यहाँ मैंने इमली का गूदा ले लिया है, जिससे मैं हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी बताऊंगी। खट्टी मीठी चटनी मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो यहाँ फुलकियाँ बनाने के लिए 1 कप बेसन का आटा ले लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, भुना और पिसा हुआ जीरा, इतना शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून से मैंने कम डाला है ज़रा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो इसको स्पाइसी मत कीजिएगा। तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और इसमें पूरा 1 कप पानी जाएगा। तो यहाँ मैं ऐसे विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर रही हूँ। इट मस्ट बी लंप फ्री बैटर। तो यहाँ मैंने इसको रोक दिया है। इसमें मैं पहले शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा चुटकी भर, ताकि हमारी फुलकियाँ फूलनी चाहिए। और अब हमें इस तरह का कोई एक चम्मच लेना है जिसमें इस तरह के होल हों या इससे बड़े। तो मेरे पास इतने ही छोटे होल थे, तो इस तरह से मैं फिर से बैटर डालूंगी और नीचे से वो अलग अलग होके छोटी छोटी फुलकियाँ बनती जाएंगी। तो अब हम ऑयल में देख लेते हैं कि कैसी बनेंगी। हाँ, ऑयल गर्म हो गया था, तो अब मैं डाल के दिखाऊंगी। ऑयल ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा भी ना हो, जिस तरह पकौड़ों के लिए हम ऑयल को गर्म करते हैं उस तरह से। तो अब इस तरह से छोटी छोटी फुलकियाँ बन जाएंगी, जो कि चाट में बहुत अच्छी और मज़ेदार लगती हैं और बिल्कुल बाजार जैसा लुक आता है। तो बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होनी चाहिए। इसी तरह मैं सारी फुलकियाँ तैयार करके निकाल लूँगी। तो यहाँ मेरी सारी फुलकियाँ बन चुकी हैं। मैं बड़े से बाउल में पानी डाल के इन सारी फुलकियों को इस बाउल में डाल दूंगी और 5 से 10 मिनट तक भिगो कर रख दूंगी। तो यहाँ 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे छन्नी में निकाल के इसका पानी ड्रेन ऑफ कर दूंगी। याद रहे कि अपने हाथों को बार बार धोइए। मैंने इसे ऐसे भी बनाते हुए तकरीबन 50 दफ़ा हाथ धो लिए थे, तो सफाई का ख्याल रखें। अब मैं यहाँ ग्रीन चटनी तैयार कर रही हूँ। ये सब धनिया, पुदीना और ज़ीरा इसमें मैं डाल के पीस दूंगी। इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जो मैंने इमली का गूदा निकाला था उसमें मैं ये शामिल करके इससे मिक्स कर दूंगी। सो यहाँ हमारी ग्रीन चटनी भी तैयार है। मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आप याद से डाल दीजिएगा। तो यहाँ हमारी ये चटनी तैयार है, फुलकियाँ भी तैयार हैं और खट्टी मीठी चटनी भी। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। तो ये बाउल मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। चने मैंने डाल दिए हैं, बेसन की फुलकियाँ मैं डाल रही हूँ, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारी ग्रीन चटनी और दही। मैंने जो फेंक दी थी वो मैं डाल रही हूँ अपनी पसंद के मुताबिक। जितनी आपको पसंद हो, जो जो जितनी जितनी क्वांटिटी चाहिए हो उतनी आप डाल सकते हो। और सबसे मस्त इसमें ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ डाल दूँगी और चाट मसाला। इन दोनों के बगैर चाट अधूरी होती है, ज़ीरा और चाट मसाला। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। चने में अगेन डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहे थे।
बहुत ही आसान रेसिपी है ये, ट्राई कीजिएगा। सो ये मेरी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो मैं आपको बता रही थी, ये मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसमें अनारदाना का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें। और यहाँ प्याज बारीक चॉप की भी जो हमने रखी थी वो डाल दी। खीरा आप चाहें तो इसमें चुकंदर डाल सकते हैं या बंद गोभी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और आलू भी डाल सकते हैं। अगर आलू डाल रहे हैं तो आलू को स्क्वायर काट कर बॉयल कीजिएगा। अब बॉयल करते हुए याद रखिए कि उसमें हल्दी चुटकी भर डाल दीजिएगा, तो उससे जो येलोइश लुक आता है आलू का वो बड़ा अच्छा लगता है चाट में। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाट बना दी है। आप चाहें तो इसमें पापड़ी भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।